हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुक स्टडी विद अनु। आज हम विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी इस चैप्टर का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को एहसास हुआ कि वह संभवतः लगातार अपनी मेज़ पर बैठकर काम नहीं कर सकते। रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ, पॉसिबली यानी संभवतः, कैरी ऑन मतलब लगातार। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म। 25 साल में फर्म के साथ रहते हुए ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियस वर्कर। उनकी एक अथक सचेत कर्मचारी होने की प्रतिष्ठा थी। टायरलेस यानी अथक, न थकने वाले, कॉन्शियस मतलब सचेत, वर्कर यानी कर्मचारी। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हर्ल। लेकिन आज उनका सिर चक्कर में पड़ गया। हेड वॉज इन अ वर्म, व्हर्ल इसका मीनिंग यहाँ दिया है, कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टुगेदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 पर घर वापस आने पर विपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और एक साथ अपनी याददाश्त इकट्ठा करने की कोशिश की। ले डाउन यानि लेट गए, गैदर हिज विट्स टुगेदर यानि अपनी बुद्धि या याददाश्त को इकट्ठा करो, यहाँ इसका मीनिंग दिया है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, मतलब शांत रहने और अधिक स्पष्टता से सोचने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजुरी इन द हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर incident and a fairly recent and significant one at that। वह जानते थे कि सिर में किसी चोट के कारण किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्मृति खोने की संभावना थी, लेकिन उन्हें ऐसे एक भी उदाहरण के बारे में पता नहीं था जिसमें किसी को एक विशेष घटना को छोड़कर सब कुछ याद हो और उस जैसी हाल ही की कोई महत्वपूर्ण घटना। इंस्टेंस मतलब उदाहरण, इंजुरी यानी चोट, इंसिडेंट पर्टिकुलर इंसिडेंट यानी विशिष्ट घटना, फेयरली यानी उस जैसी, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। वह हमेशा से रांची जाना चाहते थे, वहाँ गए, काम किया और कुछ याद नहीं रखना पूरी तरह से असंभव कार्य था। अटरली यानि पूरी तरह से, इम्पॉसिबल यानि असंभव। एट 7:30 विपिन बाबूज सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। 7:30 पर विपिन बाबू का नौकर आया और बोला कि चुन्नी बाबू सर कह रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू को पता था कि चुन्नी किस लिए आए हैं। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में पढ़ा था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। हाल ही में उसका समय खराब चल रहा था और उसके पास किसी नौकरी के लिए मिलने आ रहा था। हैविंग अ रफ टाइम यानी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुसीबतें होना। लेटली यानी हाल ही में। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। विपिन बाबू को पता था कि उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है
और वास्तव में उसे ऐसा ही कहा, इनफैक्ट यानी वास्तव में। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी एक खोटे सिक्के की तरह बार बार आता रहा। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी यानी खोटे सिक्के का घूम फिर कर वापस आना। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू ने संदेश भेजा कि उनके लिए चुन्नी से मिलना न केवल इस समय बल्कि अनेक सप्ताह तक संभव नहीं है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, लेकिन जैसे ही नौकर कमरे से बाहर निकला बिपिन बाबू को लगा कि हो सकता है चुन्नी को 58 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो। उसे पूछने में कोई बुराई नहीं थी। एज सुन एज मतलब जैसे ही, स्टेप्ड आउट यानी बाहर जाना, स्ट्रक मतलब लगना या मन में आना। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतरे और रहने वाले कक्ष में पहुंच गए। हरीड यानी जल्दबाजी। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपियर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। चुन्नी जाने वाला था लेकिन बिपिन बाबू को देखकर वह उम्मीद में मुड़ गया। टर्न्ड मतलब मुड़ा, होपफुली यानी उम्मीद में। बिपिन बाबू डिंट बीट अबाउट द बश। बिपिन बाबू ने इधर उधर की बात नहीं की। डिंट बीट अबाउट द बश इसका मीनिंग यह दिया है, केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मतलब इधर उधर की बात मत करो। आगे बढ़ते हैं। लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है और तुम मुझे तब और अब लंबे समय से देख रहे हो। ऑफ एंड ऑन यानि नाउ एंड देन। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। बस अपने दिमाग को भूतकाल में ले जाओ और मुझे बताओ क्या मैं 58 में रांची गया था। थ्रो योर माइंड बैक यानि दिमाग को भूतकाल में ले जाना। चुन्नी सेट 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। चुन्नी ने कहा 58, यह 58 रहा होगा या वह 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तुम्हें यकीन है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। चुन्नी के विस्मयकारी भाव में चिंता शामिल नहीं थी। अमेजमेंट यानि आश्चर्य, अनमिक्स्ड यानि शामिल नहीं होना, वरी यानि चिंता। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। क्या आपका मतलब है कि आपको वहाँ कभी भी जाने के बारे में संदेह है। डाउट्स यानि संदेह। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। क्या मैं गया था, क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है। क्लियरली यानि स्पष्ट रूप से। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। चुन्नी सोफे पर बैठ गया, बिपिन बाबू को देर तक घूरता रहा और कहा, बिपिन क्या तुमने ड्रग्स या कुछ अन्य लेना शुरू कर दिया है। स्टेयर यानि घूरना। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ ऐसी बातों का संबंध था, तुम्हारा रिकॉर्ड साफ था। कंसर्न्ड यानि संबंध। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मुझे यह मालूम है कि पुरानी दोस्ती आपके लिए ज़्यादा मतलब नहीं रखती है,
लेकिन कम से कम आपके पास एक अच्छी याददाश्त थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम सच में यह नहीं कह सकते कि तुम रांची यात्रा के बारे में भूल गए हो। फॉरगॉटन यानि भूल गया। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। बिपिन बाबू को चुन्नी के अविश्वासी तरीके से घूरने से दूर होना पड़ा। इनक्रेडुलस यानि अविश्वसनीय। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा, क्या आपको याद है कि मेरी आखिरी नौकरी क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। बेशक तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। आपको वह याद है और आपको यह याद नहीं कि वह मैं था जिसने रांची के लिए आपकी रेलवे बुकिंग की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। मैं आपको छोड़ने के लिए स्टेशन तक गया। आपके डिब्बे का एक पंखा काम नहीं कर रहा था। मैंने उसे ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन लाया था। टू फिक्स इट यानी ठीक करना। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू। क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? आपके साथ जो कुछ भी बात है। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको पता है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। साइड मतलब गहरी सांस ली, शुक यानि हिलाना। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। उन्होंने अंत में कहा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। यह इसका कारण होना चाहिए, परामर्श के लिए किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग यानि परामर्श करना। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। निसंदेह यह बिपिन की हालत थी जिसके कारण चुन्नीलाल को नौकरी के बारे में कुछ बताए बिना जाना पड़ा। डाउटलेस यानि निसंदेह। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज। परेश चंदा एक युवा चिकित्सक थे जिनकी चमकीली आंखें और एक तेज नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स। वह चिंतित हो गए जब उन्होंने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना। थॉटफुल यानि चिंतित। हर्ड यानि सुना, सिम्टम्स यानि लक्षण। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्पिरेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। बिपिन बाबू ने सख्ती से कहा, देखो डॉक्टर चंदा, आपको मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करना है। मैं आपको नहीं बता सकता कि यह कैसे मेरे काम को प्रभावित कर रही है। डेस्पिरेटली यानि सख्ती से, हॉरिबल यानि डरावनी, इलनेस यानि बीमारी, अफेक्टिंग यानि असर। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे मामले को नहीं देखा है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई हैव वन सजेशन। सच कहूँ तो यह मेरे अनुभव के अपने क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मेरा एक सुझाव है।
ફ્રેન્કલી અને સચ કહું તો સજેશન યાને સુઝાવ. આઈ ડોન્ટ નો ઇફ ઇટ્સ ઓલ વર્ક બટ ઇટ્સ વર્થ અ ટ્રાય. ઇટ કેન ડૂ નો હાર્મ. મેં નહીં જાણતા કે ક્યા યહ કામ કરેગા લેકિન યહ કરને લાયક એક કોશિશ હૈ. યહ કોઈ નુકસાન નહીં કરેગા. ઇટ્સ વર્થ ટ્રાય મતલબ યહ કોશિશ કરને લાયક હૈ. હાર્મ યાને નુકસાન. બિપિન બાબુ લીન્ડ ફોરવર્ડ એન્શિયસલી. બિપિન બાબુ ઉત્સુકતાવશ આગે ઝુક ગયે. લીન્ડ યાને ઝુકે, ફોરવર્ડ યાને આગે, એન્શિયસલી યાને ઉત્સુકતાવશ. એઝ ફાર એઝ આઈ કેન મેક આઉટ સેડ ડૉક્ટર ચંદા. ડૉક્ટર ચંદાને કહા, જહાં તક મેરી જાણકારી હૈ એન્ડ આઈ થિંક યુ આર ઓફ ધ સેમ ઓપિનિયન, યુ મસ્ટ હેવ બીન ટુ રાંચી બટ ડ્યુ ટુ સમ અનનોન રીઝન ધ એન્ટાયર એપિસોડ હેઝ સ્લીપ્ડ આઉટ ઓફ યુઅર માઇન્ડ. ઓર મેરે વિચાર સે આપકા ભી યહી વિચાર હૈ. તુમ રાંચી અવશ્ય ગયે હોંગે લેકિન કિસી અજ્ઞાત કારણવશ પૂરા પ્રકરણ આપકે દિમાગ સે ફિસલ ગયા હૈ. સ્લીપ્ડ આઉટ ઓફ યુઅર માઇન્ડ યાને દિમાગ સે નિકલ જાના યા ભૂલ જાના. એપિસોડ યાને પ્રકરણ. આગે બઢતે હૈ. વોટ આઈ સજેસ્ટ ઇઝ દેટ યુ ગો ટુ રાંચી વન્સ અગેન. મેરા સુઝાવ હૈ કે આપ એક બાર ફિર સે રાંચી જાય. ધ સાઇટ ઓફ ધ પ્લેસ મે રિમાઇન્ડ યુ ઓફ યુઅર ટ્રીપ. ઉસ જગહ કા નજારા આપકો અપની યાત્રા કી યાદ દિલા સકતા હૈ. સાઇટ યાને નજારા. ધીસ ઇઝ નોટ ઇમ્પોસિબલ. યહ અસંભવ નહીં હૈ. મોર દેન દેટ આઈ કેન નોટ ડુ એટ ધ મોમેન્ટ. ઇસે જ્યાદા ઇસ સમય મેં કુછ ભી નહીં કર સકતા હું. આઈ એમ પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ અ નર્વ ટોનિક એન્ડ અ ટ્રેન્કિલાઇઝર. મેં આપકો એક નર્વ ટોનિક લિખ કર દેતા હું ઓર એક ટ્રેન્કિલાઇઝર. ટ્રેન્કિલાઇઝર મતલબ ચિંતા ઓર તનાવ કો કમ કરને કે લીએ ઇસ્તેમાલ કી જાને વાલી દવા હોતી હૈ. સ્લીપ ઇઝ ઇસેન્શિયલ ઓર ધ સિમ્પટમ્સ વિલ ગેટ મોર પ્રોનાઉન્સ્ડ. નીંદ આવશ્યક હૈ, નહીં તો લક્ષણ ઓર અધિક ગંભીર હો જાયેંગે. ઇસેન્શિયલ યાને આવશ્યક, પ્રોનાઉન્સ્ડ યાને ગંભીર. બિપિન બાબુ ફેલ્ટ સમ વોટ બેટર ધ નેક્સ્ટ મોર્નિંગ. બિપિન બાબુને અગલી સુબહ કુછ બહેતર મહેસૂસ કિયા. આફ્ટર બ્રેકફાસ્ટ હી રેંગ અપ હિઝ ઓફિસ, ગેવ સમ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એન્ડ દેન પ્રોકર્ડ અ ફર્સ્ટ ક્લાસ ટિકિટ ફોર રાંચી ફોર ધ સેમ ઇવનિંગ. નાશ્તે કે બાદ ઉન્હોને અપને કાર્યાલય મેં ફોન કિયા, કુછ નિર્દેશ દિએ ઓર ઉસી શામ રાંચી કે લીએ એક પ્રથમ શ્રેણી કા ટિકિટ ખરીદ લિયા. ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ યાને નિર્દેશ, પ્રોકર્ડ યાને પ્રાપ્ત હોના. વિડીયો અગર અચ્છા લગા હો તો પ્લીઝ લાઇક ઓર શેર જરૂર કરીએગા.